भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार यानी 30 अगस्त को कहा कि उसने चंद्रयान 2 को चांद की चौथी कक्षा में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद कहा कि अंतरिक्ष यान की सभी गतिविधियां सामान्य हैं। भारत के इस सबसे महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक मिशन पर अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि चंद्रयान जहां सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा उस स्थान को आखिर क्या नाम दिया जाए, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है। इसके लिए नाम भी सुझाए जा रहे हैं। जैसे ही नाम पर एकमत हो जाएगा उसके बाद जोर शोर से ऐलान किया जाएगा। खबरों के मुताबिक उस स्थान के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शोध से ये पता चलेगा कि आखिर चांद की उत्पत्ति और उसकी संरचना कैसे हुई। इस क्षेत्र में बड़े और गहरे गड्ढे हैं। यहाँ उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा कम शोध हुआ है। दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के जीवाश्म मौजूद होने की संभावनाएं हैं। इसरो के मुताबिक इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलेगा। आपकी जानकारी को बता दें कि 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात 1:40 पर विक्रम लैंडर 35 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना शुरू करेगा। ये इसरो वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा। 1:55 पर रात को विक्रम लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद दो क्रिएटर मेंजीनस सी और सिंपेलियस एन के बीच मौजूद मैदान में उतरेगा। लैंडर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह पर उतरेगा। ये 15 मिनट बेहद तनावपूर्ण होंगे। 3:55 पर रात को लैंडिंग के करीब 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर का रैंप खुलेगा। इसी के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। 5:05 पर सुबह प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलेगा। इसी सोलर पैनल के जरिए वह ऊर्जा हासिल करेगा। 5:10 पर सुबह प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलना शुरू करेगा। वह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद की सतह पर 14 दिनों तक यात्रा करेगा। इस दौरान वह 500 मीटर की दूरी तय करेगा। दोस्तों, जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 2 लैंड करेगा और रोवर प्रज्ञान रिसर्च करेगा, उस इलाके का आखिर क्या नाम होना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चंद्रयान 2 से रिलेटेड नई नई जानकारियों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।